सभी का स्वागत है। डेट शीट की बात कर रहे थे। आपकी डेट शीट अब जो है वो DU की वेबसाइट पर शो कर रही है, तो आपको चेक करना है exam.du.ac.in पे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे आप डेट शीट पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा फाइनल डेट शीट ऑफ अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2021। ये है डेट शीट, और यहाँ पर आपको आपके कोर्स दिखाई देंगे। जैसे कि BA ऑनर्स पे आप क्लिक करेंगे तो सेमेस्टर 1, 3 और 5 ऊपर भी लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1, 3 और 5 ये आपकी है डेट शीट, देख लीजिए। सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 और पार्ट 1 इसका इम्प्रूवमेंट है, ये डेट शीट है BA की। BA ऑनर्स की CBSE सिस्टम के अंदर ये डेट शीट 16 पेज की डेट शीट है। तो मैं और डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे BCOM की डेट शीट पे। और अभी इसमें ये कहीं नहीं बताया गया है कि ये डेट शीट किसकी है, ठीक है। तो अभी ये नहीं कहा जाएगा कि NCVAP की है, SOL की है, DU की है। फिलहाल DU की वेबसाइट पे ये आई है, और यहाँ टेंटेटिव नाम का वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। तो इस पर मैं एक नया वीडियो बना के बताऊँगा कि ये किसके लिए, फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। अभी डेट शीट आई है, मैंने अभी आपको दिखा दी है। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले BCOM पे। ठीक है, ये आगे डेट शीट BCOM की। टाइम 2:30 बजे का है एग्ज़ाम का, BCOM प्रोग्राम का। सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम है, सेमेस्टर 5 के बाद 1 है, फिर 3 है। तो ये आप देख सकते हैं अपने आप, ये है BCOM प्रोग्राम। उसके बाद BA प्रोग्राम के भी देख लेते हैं। ये है आपकी BA प्रोग्राम की डेट शीट। तो ये आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम नवंबर के एंड से स्टार्ट है, और दिसंबर में मेन एग्ज़ामिनेशन सारे आपके हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे लंबी डेट शीट है। तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुके हैं, और सेमेस्टर 5 के बाद अब आपको एग्ज़ाम देने हैं अपने नवंबर के एंड और दिसंबर में। और फिर भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अभी ये डेट शीट में कहीं मेंशन नहीं है कि डेट शीट किसकी है, तो इसका मतलब है कि ये DU, SOL, NCVAP तीनों पर अप्लाई होगी। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी मैं आपको अप्लाई कर बता दूंगा। वैसे डेट शीट टेंटेटिव सबकी सेम ही होती है, तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम इस डेट पे हैं। और टेंटेटिव की कोई यहाँ पर वर्ड भी उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये जो आपकी डेट शीट है ये टेंटेटिव है कि फाइनल है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट्स exam.du.ac.in पे जाके देख सकते हैं, आपके सभी एग्ज़ाम यहाँ पर हैं। आप जो भी क्लिक करेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा। ये जो है ये SOL की, तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि SOL ओनली, तो SOL की भी आपको दिखा देता हूँ, लगभग सेम ही होगी डेट शीट। ये देखिए ये आ गई, ये SOL की है लिखा हुआ है, तो ये SOL की ही है लिखा हुआ है, मेन फॉर स्टूडेंट ऑफ SOL। और 1 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं SOL के, ये भी न्यूज़ आपको अभी दे दी जा रही है, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये डेट शीट अब ये है, ये SOL की भी मैंने आपको दिखा दी है। जो पहली दो डेट शीट थी वो NCVAP और DU की थी यानी कि, और ये जो है ये सिर्फ, ये देख लीजिए ये है BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम की डेट शीट सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 ये भी आ गई, ये भी आपको मैंने दिखा दी, ठीक है। बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट, किसी और कोर्स के स्टूडेंट इसी साइट पर जाके अपनी डेट शीट देख सकते हैं, ठीक है। exam.du.ac.in पर सारी डेट शीट आ गई हैं,
इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।